मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 7 जोड़े वैदिक रीति रिवाज से एक दूजे संग विवाह बंधन में बंध गए। इसमें सभी जोड़ों ने विवाह हिंदू रीति रिवाज से संपन्न कराया। मुख्य अतिथि जावरा विधायक राजेंद्र पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों की शादी धूमधाम से और भव्यता के साथ कराने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित कर रही है। इस योजना की वजह से गरीब अभिभावकों को भी अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करने का अवसर मिल रहा है। आर्थिक कठिनाइयों की वजह से गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी का खर्च उठाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस योजना के तहत खुशी व गाजे वाजे और भव्य आयोजनों के साथ उनकी भी शादी हो रही है। वहीं इस सामूहिक विवाह में पूरी तहसील से 7 जोड़ों की शादी कराई गई। ग्रामीणों का कहना है हर पंचायत में इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए और गरीब परिवारों को अवगत कराते हैं तो जोड़े सम्मेलन में शामिल होकर शासन की योजना का लाभ ले सकते हैं। क्या कार्यक्रम रखा है और कितने जोड़े यहाँ पर सम्मिलित हुए? आज ग्राम पंचायत के मानव भवन में सीएम कन्यादान विवाह के अंतर्गत 7 जोड़े की शादी हो रही है। देखा गया है ये पूरे जनपद में 52 पंचायत है और 7 ही जोड़े अवेलेबल हुए, ऐसा क्यों? एक्चुअली में हमारे स्तर से तो पूरा प्रयास किया गया था व्यापक प्रसार प्रचार हो, हमने प्रेस नोट भी दिया था, हमारे सचिवों के माध्यम से भी सूचना करवाई थी। अभी भी जो जोड़े इच्छुक हैं वो जावरा में सम्मिलित हो सकते हैं। जावरा में 13 फरवरी 2023 को है आयोजन। कई ऐसी पंचायतें सामने आई हैं, वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि हमारे तक प्रचार प्रसार का कोई भी आदेश वगैरह कोई मिला नहीं हमें। नहीं, हमने प्रेस नोट दिया था बकायदा, आप न्यूज़ में देख सकते हैं, ग्राम पंचायत सचिवों को भी बोला था। इनको क्या क्या लाभान्वित किया जाएगा? लाभान्वित किया जा रहा है, 11,000 रुपये का चेक दिया गया है हमारे जो भी अतिथि आए थे उनके माध्यम से, 28,000 रुपये की सामग्री दी जा रही है। ठीक है, आपका शुभ नाम? अल्फिया खान, सीओ जनपद पंचायत। जावरा से JP मालानी की रिपोर्ट।